आज हमारे पास है एक होंडा सिटी सर्विस की, और करते इसकी सर्विस। गाड़ी देख सकते हैं होंडा सिटी, अब करते हैं इसकी सर्विस। यहाँ पे लगता है इसका एयर फिल्टर, एयर फिल्टर के निकाल दिया एयर फिल्टर, देख सकते हैं कितना गंदा है, मिट्टी मिट्टी आके अंदर। अब खोलते इसका इंजन ऑयल, इंजन ऑयल खोल दिया इसका। यहाँ पे इंजन ऑयल है इसका, ये डांट वाली है यहाँ से 17 नंबर की। ये इसका ऑयल फिल्टर, यहाँ पे इसका ऑयल फिल्टर लगा हुआ ये वाला। अब खोलते इसके ब्रेक पैड, चेक करते ब्रेक पैड कैसे है इसके। और यहाँ से पिछले ड्रम है इसके ब्रेक शू, यहाँ से ब्रेक शू चेक हो गए। चारों पहिए के ब्रेक चेक करते हैं, फिर देखते हैं ब्रेक सही है ख़राब है। ये इसके ब्रेक शू, ब्रेक शू तो भी काफ़ी है, सही है बिल्कुल। इनकी होगी सफाई। और यहाँ पे इसके डिस्पैड, डिस्पैड भी काफ़ी मोटे है, अभी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साफ हो गए। और इस साइड के भी डिस्पैडियाँ मोटे हैं काफ़ी। यहाँ पे लगा दिया हमने इसके ब्रेक पैड साफ करके एमरी पेपर से, ये भी उसको इक्के लिए यहाँ पे लगा के इसको ऐसे, और इसका बोल्ट एंड कर देंगे यहाँ पे 12 नंबर वाला, ये वाला ब्रेक पैड हो जाएगी फिट। ब्रेक पैड कर दिया हमने इसके फिट, अब इस साइड का लगाएंगे टैब। अब करते इसके ब्रेक शूज आप, अब इसे चारों तरफ एमरी पेपर मारेंगे और फिर इसको ड्रम को करेंगे फिट। ब्रेक शू कर दिया हमने इसके साथ, रेक मार मार के साफ कर दिए। अब लगाते इसका ड्रम, ड्रम में भी आ गए, रेक मार मार दिया बैठे करके, इसको एमरी पेपर बोलते हैं। अब इसे लगाते इसका ड्रम, ड्रम कर देंगे यहाँ पे फिट, ड्रम कर दिया फिट बिल्कुल। अब लगाते हैं इस साइड का टायर, चारों पहियों का ब्रेक कंप्लीट कर लिया है, साफ कर दिया बिल्कुल। अब इसका यूएस का एयर फिल्टर, ओरिजिनल होंडा का ये ऑयल फिल्टर, ये ऑयल फिल्टर इसका एयर फिल्टर लगेगा यहाँ पे इस वाले बॉक्स के अंदर, यहाँ लग जाए था एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर लगेगा नीचे की ओर। लगा लो इसका ऑयल फिल्टर, थोड़ा सा इंजन ऑयल लगा लो स्प्रिंग पे पहले, फिर लगाना है वहाँ पे, लगाए इसका ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर कर दिया इसका चेंज, और यहाँ पे चैम्बर का बोल्ट भी लगा दिया वाला 17 नंबर का इस वाले पन्ने से, ये फिल्टर टाइट करने के लिए। और भाई यहाँ पे इसका एयर फिल्टर लगा दिया, अब करते इसका बैटरी का पानी चेक। यहाँ पे इसका बैटरी का पानी चेक करना पड़ता है सर्विस में, पानी पूरा है इसका बैटरी का, बैटरी ओके है। इसके ढक्कन लगाते हैं वाले, ऐसे लग जाएगा आराम से, सिंपल इनको मारो पैंच का, ये हो गए बंद। यहाँ वाइपर का पानी डलेगा, वाइपर स्प्रे वाला, और यहाँ से सब ब्रेक ऑन चेक कर दे।
ब्रेक होल का मैच के अंदर ब्रेक होल लगा थोड़ा। और यहाँ पे कूलेंट सही है इसका, कूलेंट होगा टॉप अप। अब डालते हैं इसका इंजन ऑयल। डाल भाई तेल डाल। गाड़ी कर दी स्टार्ट, अब कर दे चेक लाइट वगैरह सब। जलावे लाइट लूट की डिपर वाइपर, वाइपर के नो जमी चल ली। चारों खिड़कियों में लगाते थे ग्रीस हल्की हल्की। हल्की से यहाँ लगा लो। वह कितने लगा, हल्की से लगाता चारों खिड़कियों में ग्रीस लगाते ऐसे इसके। यहाँ पे लगता है इसका इसका फिल्टर, ये वाला फिल्टर सही है इसका। गाड़ी की कंप्लीट सर्विस कर दिया हमने इसकी। यहाँ से बैटरी का पानी चेक होता है, पानी चेक कर लिया, ये फिल्टर लगा दिया। यहाँ से इंजन ऑयल डलता है इसका, यहाँ से गेज चेक होता है इसका इंजन ऑयल का। यहाँ पे इंजन ऑयल चेक होता है इसका, यहाँ पे इसका ब्रेक ऑयल डलता है, वाइपर वाइसर का पानी ये पूरा कर दिया। यहाँ पे इसका कूलेंट डलता है, कूलेंट पूरा कर दिया है। ये रिजर्व बोतल है इसकी, ये भी पूरा है। अब लेते हैं ड्राइव। सर्विस कर दिया हमने कंप्लीट गाड़ी की, अब आई इसकी ड्राइव है, देखते हैं गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ट्राई लेके देखते हैं इसकी जरा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी के अंदर। थोड़ी गड्ढो गुड्ढो में देखे कैसे चला गए, कोई तो आज कुछ तो नहीं होना बस।